नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। टिकट कटने के बाद दिल्ली से राजधानी लौटे रमेश बैस का एयरपोर्ट में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बैस के कार्यकर्ताओं ने उनके एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। लोकसभा की टिकट कटने के बाद पहली बार सामने आए सांसद रमेश बैस पहली बार बीजेपी रायपुर लोकसभा प्रत्याशी सुनील सोनी के साथ नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए बैस ने खुद को ही रावण बता डाला। राम रावण का युद्ध हो रहा था, रावण अंतिम संयम में था। राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जाओ उनसे कुछ विद्या सीखो। लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर विद्या सीखा और निश्चित रूप से सुनील सोनी को मैं भी विद्या दूंगा। बैस ने अपने राजनीतिक जीवन के इस पारी की समाप्ति की घोषणा इशारों इशारों में कर दी। उन्होंने कहा, मैंने कई कार्यकर्ता कमाए, टिकट कटने की कोई कसक नहीं है, पार्टी जो जवाबदारी देगी वह पूरा करूंगा। मैं दिल्ली में था तब से मैं कर रहा हूँ, फोन से मैं कार्यकर्ताओं से बात करते रहा हूँ और जो भी होगा उसको जो जवाबदारी देंगे मैं गंभीरता से उसको निर्वहन करूँगा। 7 बार के सांसद रमेश बैस एयरपोर्ट पहुँचे तो वर्तमान सांसद प्रत्याशी सुनील सोनी उनके साथ दिखे। पार्टी के आदेश का पालन करने की बात करने वाले सांसद रमेश बैस अपने राजनीतिक सफर की इस पारी की समाप्ति की घोषणा खुद कर गए। खबरची न्यूज के लिए सुनील की रिपोर्ट। नारायण नारायण।